किसान आंदोलन के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। दिल्ली की सीमा पर किसान लगातार डटे हुए हैं। इस बीच सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र यादव जी, जो किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ताओं में शामिल हैं, स्वराज इंडिया के संस्थापक हैं। आगे क्या रास्ता देखते हैं इसका, क्योंकि लगातार किसान अभी भी धरने पर हैं, आंदोलन पर हैं। आप लोगों की लगातार वार्ता हुई सरकार से, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, उसे लेकर जो कमेटी बनाई गई उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है। ऐतिहासिक सिर्फ इस मायने में नहीं कि लाखों किसान आके दिल्ली में बैठे हैं। ऐतिहासिक इस मायने में भी कि ये किसान सिर्फ इस इलाके से नहीं आ रहे, पूरे देश से कहीं ना कहीं किसान आए हैं। ऐतिहासिक इस मायने में कि पूरे देश के जो किसान आ नहीं पा रहे हैं, उनके मानस को भी ये आंदोलन छू रहा है। ऐतिहासिक इस मायने में कि जिन मुद्दों पर लड़ाई हो रही है, वो मुद्दे सचमुच इस देश में खेती किसानी का भविष्य तय करने वाले हैं। और ऐतिहासिक इस मायने में कि 50 दिन हो गए हैं, ऐसा संघर्ष, इतना बड़ा जन आंदोलन कम से कम मैंने अपनी आंख से कभी नहीं देखा। इसलिए इस आंदोलन का भविष्य तय करने में देश की तमाम ताकतें अब आ गई हैं। सत्ता है, और सत्ता के पीछे जो पूंजी की सत्ता है वो भी है। इन दोनों से आज मुकाबला है किसान आंदोलन का। मुझे विश्वास है कि चाहे लंबा खींचे, लेकिन ये आंदोलन किसानों के लिए भविष्य की एक सकारात्मक दिशा लेके जाएगा। किसानों में वो चेतना जगाएगा, किसानों में वो संगठन बजाएगा, किसानों में वो आवाज़ उठाएगा, जिसकी किसानों को बहुत वक्त से ज़रूरत थी। आपने जो कहा कि तमाम ताकतें आ चुकी हैं, क्या ये ताकतें दोनों तरफ हैं? ये इस मायने में सवाल है कि जो अभी तक सवाल उठ रहे थे, आप लोगों की तरफ से सवाल उठाए गए कि तमाम दलों के नेता इसे लेकर कह रहे हैं कि खालिस्तानी ताकतें इस आंदोलन के पीछे, लेकिन भी जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया उसमें अटॉर्नी जनरल की तरफ से बात कही गई कि कहीं ना कहीं इसके पीछे फ्रिंज एलिमेंट है, खालिस्तानी लोग हैं। उन्होंने जो कहा कोर्ट में वो था कि इन लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया है, इनके पीछे नहीं है। एक तो होता है आप कहें कि इस आंदोलन के पीछे वास्तव में जो सही ताकत है वो कुछ और है, जैसे मुझे लगता है सरकार जो इन कानूनों का विरोध कर रही है उसके पीछे जो सही ताकत है वो इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं। जो अटॉर्नी जनरल ने कहा है वो ये है कि इसमें कुछ लोग घुसपैठ कर गए हैं। घुसपैठ कर गए तो आप पकड़ो ना, बताओ ना। हमने पहले दिन से, वो जब शंभू बॉर्डर पे जब हुआ था चंडीगढ़ के नज़दीक, उस दिन से हमने इस किस्म के किसी भी एलिमेंट को आंदोलन से दूर रखा है, बाहर रखा है। बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ऐसे किसी अलगाववादी ताकत का इस आंदोलन में कोई हाथ नहीं हो सकता। कई लोग जो हमारे साथ जुड़ सकते थे उनको हमने जुड़ने नहीं दिया, कहा कि नहीं, हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम, ये हमारे देश का आंदोलन है, देश के भीतर चलेगा, देश में हमें इसे चलाना है, और इस आंदोलन से ये देश मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं होगा। हमारी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। अगर अटॉर्नी जनरल ये दिखा सकें कि इस आंदोलन के नेतृत्व में, इस आंदोलन को चलाने वाले लोगों में, कमेटियों में, इस आंदोलन के निर्णय की प्रक्रिया में ऐसे किसी एलिमेंट का हाथ है तो दिखा। आप लोगों की सरकार से लगातार वार्ता हो रही है, बीच बीच में बयान भी आ रहे हैं सरकार से जुड़े लोगों के, खासतौर पे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान आया कि किसानों के साथ खड़ी है सरकार, जो भी मुद्दा होगा मिल बैठकर सुलझा लेंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल की बात चूंकि सरकार की बात होती है, तो ये दो तरफा बातें एक साथ चल रही हैं। सरकार से जुड़े लोग कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सरकारी संस्था से जुड़े लोग कोर्ट में कुछ और कह रहे हैं। वही दिक्कत है, सरकार दो मुंही बातें कर रही है। राजनाथ सिंह कहते हैं किसान हैं, हम सम्मान करते हैं, कोई खालिस्तानी इनको नहीं कहेगा, और दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल कुछ और बयान देते हैं। कृषि मंत्री कहते हैं किसानों ने इतना अभूतपूर्व शांतिमय आंदोलन चलाया है, मैं इसका बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, और दूसरी तरफ वो कहते हैं अराजक हैं, माओवेस्ट हैं, नक्सल हैं, ये हैं, वो हैं, पाकिस्तानी हैं। और ये कोई अनायास नहीं है, ये जानबूझ के, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है गुड कॉप बैड कॉप, एक आदमी अच्छी बात कहेगा, दूसरा आदमी बुरी बात कहेगा, दोनों की बातें चलती रहेंगी ताकि जनता के मन में भ्रम पैदा हो सके। ये खेल बीजेपी कर रही है, और ये खेल अब जनता देख चुकी है, इसका असर होना बंद हो गया है।
लेकिन ऐसे सवाल उठने शुरू हुए, आपने कहा कि ऐसे किसी लोगों को हमने शामिल नहीं होने दिया जो शामिल हो सकते थे, लेकिन आंदोलन में ही कुछ ऐसे पोस्टर नज़र आए जो CAA प्रोटेस्ट के दौरान जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें रिलीज़ करने की मांग थी, और उसके बाद लोगों ने इसे CAA प्रोटेस्ट से जोड़ना शुरू किया, खासकर किसान आंदोलन को। दिक्कत ये हो गई है कि इस देश के मीडिया को बेचारों को और कोई काम नहीं है तो ढूंढते हैं। अब जहाँ लाख लोग बैठे हैं उस लाख में आपको संत भी मिलेंगे, उस लाख में आपको कोई गुंडा भी मिल जाएगा, उस लाख में आपको समझदार लोग मिलेंगे, उस लाख में आपको कुछ बेसमझ के लोग भी मिलेंगे, उसमें आपको अलग अलग विचार के लोग मिलेंगे, क्योंकि ये किसी एक पार्टी का आंदोलन नहीं है, किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है। 11 दिसंबर को जो हुआ वो ये कि वो ह्यूमन राइट डे था। अब इस आंदोलन के दौरान हम चौधरी चरण सिंह की बरसी आती है वो मनाते हैं, चौधरी छोटू राम की मनाते हैं, विवेकानंद की मनाते हैं, जो सावित्री बाई फुले का जयंती भी मनाते हैं, तो ह्यूमन राइट्स डे उन्होंने मनाया एक संगठन ने, और उस संगठन ने अपनी ह्यूमन राइट्स की बातें रखी। इसमें क्या बुरी बात है? बुरी बात तब होती अगर किसान आंदोलन उन मांगों को अपनी मुख्य मांग में शामिल करता, मुख्य या सेकेंडरी मांग में भी शामिल करता, जो है ही नहीं। हमारे सवाल, आपने जो विचार की बात की, सवाल तो विचार को लेकर ही है, आपको लेकर भी सवाल उठे कि आपका नाम चार्जशीट में आ गया है और आप किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। अब आप बताइए, जिसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जिसका नाम सरकार किसी चार्जशीट में डलवा दे उसको घर बैठ जाना चाहिए? आपका नाम कल मैं किसी झूठी चार्जशीट में डलवा दूँ, आपको अरेस्ट ना करूं, आपसे पूछूं भी नहीं, और इसका मतलब है कल से आप पत्रकारिता बंद कर देंगे, है ना? जो ऐसा एक इम्प्रेशन बनाया गया है कि मैं किसान आंदोलन में आज जुड़ा हूं, उन साथियों को जो जानना चाहते हैं, दरअसल दिक्कत यह है कि मीडिया का एक सेक्शन है वो जानना चाहता नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है लेकिन जानबूझ के आँख बंद कर रहे हैं। सन 2015 से लेके पिछले 5 साल में अगर मैंने कोई एक मुख्य काम किया है तो केवल और केवल किसान आंदोलन का काम किया है। 2015 में टीकरीवाल से, 2015 अगस्त में पंजाब के टीकरीवाल से हमने एक ट्रैक्टर मार्च निकाला, ये जो फार्म ऑर्डिनेंस उस वक्त मोदी जी ला रहे थे उसके विरुद्ध। फिर देश में बहुत बड़ा सूखा पड़ा तो हमने कर्नाटका से हरियाणा तक की यात्रा की 4,500 किलोमीटर की किसानों की सूखे की दशा के बारे में। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। 2016 में वहाँ मराठवाड़ा से बुंदेलखंड की हमने यात्रा की, क्योंकि दोनों इलाकों में भयंकर सूखा था, वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए क्या किया जा सकता है, बुंदेलखंड जाके बैठ गया मैं। और 2017 में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की स्थापना हुई। 2017 से मैं उसके संस्थापकों में से एक हूँ, जो कि इस आंदोलन के पीछे एक प्रमुख स्रोत है, प्रमुख संगठन है, उसके संस्थापकों समय से मैं एक हूँ 2017 में। उसके बाद से हमने देश में न जाने कितनी किसान मुक्ति यात्राएं की, कोई 10,000 किलोमीटर की किसान मुक्ति यात्राएं की। उसके बाद से किसानों के जो भी छोटे बड़े संघर्ष हैं दिन रात शामिल हूँ। अब उसमें क्या है कि कुछ लोग बेचारे एक महीना पहले जागे हैं, उनको लगता है कि अच्छा योगेंद्र यादव यहाँ पर आ गए, अब उनका क्या कहूँ मैं, नहीं कह सकता हूँ कोई बात नहीं भाई। और दूसरा ये कि ये तो संयोग है कि मैं गांव में, मेरी ज़मीन है, गांव में रहता हूँ, पिताजी अभी तक गांव में ही थे और वहीं उनका देहांत हुआ। लेकिन मान लीजिए मेरा खेती से कोई संबंध ना होता, मान लीजिए मेरे पास ज़मीन ना होती, तो क्या इसका मतलब है कि मैं किसान आंदोलन में शामिल नहीं हो सकता? गांधी जी चंपारण के आंदोलन का नेतृत्व करते थे, कौन सी ज़मीन थी? क्या हम नील की खेती करते थे? इस तरह के तर्क तब दिए जाते हैं जब सारे तर्क खत्म हो जाते हैं, कुछ कहने को बचता नहीं, इसलिए इस तरह की बातें की जाती हैं, कोई बात नहीं। सरकार की बात पे लौटते हैं, आपने 2015 के आंदोलन का जिक्र किया, उसी दौरान वो आंदोलन भी हुआ जो भूमि अधिग्रहण कानून में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके खिलाफ था, सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे। उस समय से अब तक क्या कुछ बदला कि उस समय के विरोध को सरकार ने एक तरह से स्वीकार किया और अपने कदम वापस खींचे जो भूमि अधिग्रहण कानून की बात थी? लेकिन अभी 50 दिनों से आंदोलन हो रहे हैं, वार्ता पे वार्ता जारी है, लेकिन सरकार कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है या कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। मैंने जो बताया टीकरीवाल से ट्रैक्टर यात्रा, वो इसी संबंध, इसी आंदोलन का हिस्सा थी। उस समय सरकार ने वापस लिया, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि उनके पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, मोदी जी ने एक बार नहीं 3 बार वो ऑर्डिनेंस लागू किया था,
फिर आखिर में झक खा के, क्योंकि राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, वापस लेना पड़ा। आज एक तो मेजॉरिटी, अब इनको एक तरह की विश्वास है कि संसद हमारे साथ है, कुछ भी करवा सकते हैं। दूसरा, मैं समझता हूँ दूसरा चुनाव जीतने के बाद से जो अहंकार, जो घमंड आ गया इस सरकार में, वो इतना अधिक है कि अब इन्हें लगता है कि किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप ही सोचिए, लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई सरकार हो तो 50 दिन से लाखों लोग बैठे हैं और इनके पत्थर सा कलेजा, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा संभव है क्या? ये इसीलिए कि इतना घमंड आ गया है, और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं इस घमंड की दवा तो देगा। घमंड की बात हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ईगो प्रॉब्लम इधर भी है, किसानों की तरफ भी। करीब 60 से ज़्यादा किसानों की इसमें मौत हो गई। अब भी लगातार आप लोग डटे हुए, सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि जो खासकर महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उन्हें कम से कम वापस भेज दिया जाए। क्या इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं? मतलब क्या सरकार ये कह रही है कि यदि हमारे किसी साथी की मौत हो जाए, शहादत हो जाए, तो हमें तंबू उठा के वापस घर चले जाना चाहिए? रही बात महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की, सुप्रीम कोर्ट की भाषा बड़ी विचित्र थी। दे हैव बीन केप्ट, जैसे उनको अपनी इच्छा के विरुद्ध रोका गया है। एक व्यक्ति दिखा दीजिए जिसको इच्छा के विरुद्ध रोका गया है, हम माफ़ी मांगेंगे, उसको घर छुड़वाने का इंतज़ाम करेंगे। इस तरह की भाषा शोभनीय नहीं है। बुजुर्गों और बच्चों के बारे में तो फिर भी कोई कुछ बोल सकता है। ये कहना कि महिलाएं आंदोलन में हिस्सा न लें, ये कह के सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधान का अपमान कर रहा है। इस देश का संविधान महिला पुरुष को बराबर वोट देता है, बराबर बोलने की आज़ादी देता है, बराबर प्रदर्शन की आज़ादी देता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है महिलाओं के लिए वो आज़ादी नहीं है? मुझे बहुत दुख हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बातें कहते हैं, क्योंकि बड़ी कुर्सी है सुप्रीम कोर्ट की, चीफ जस्टिस की, इतनी बड़ी कुर्सी से इस तरह की छोटी बातें आएं, ये बहुत दुख की बात है। हमारी तरफ से कोई जिद नहीं है, हमारी तरफ से कोई अड़ियलपना नहीं है। हम सरकार ने जब जब बुलाया है वार्ता के लिए, चाहे पिछली वार्ता में कुछ नहीं निकला, फिर भी हम गए हैं। 15 तारीख की वार्ता है, हमारा संकल्प सीधा है, हम जरूर जाएंगे। वार्ता से कोई इनकार नहीं है, वार्ता में कुछ लिख ले ना लिख ले, ये तो सरकार को तय करना है ना। अगली वार्ता में आप लोग जाएंगे, लेकिन इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई उसे लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है कि वो कमेटी किसानों से बात करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद को समझने के लिए बनाया कि किसान कानून ये क्या है और किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, इस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, उसे लेकर क्या कुछ सवाल है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता सफल नहीं हो पा रही है, इसलिए उनके बीच नेगोशिएट करवाने के लिए हम इस कमेटी को बना रहे हैं, ताकि नेगोशिएशन सफल हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट केवल, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई कमेटी बनाना चाहता जिसमें पूछता कि चलिए आप हमें बताइए, एग्रीकल्चर की टेक्निकलिटी हमें समझ नहीं आती, आप समझा दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट जाने, उसमें हमें क्या मतलब है। लेकिन अगर ऐसी कोई कमेटी बनाई जा रही है जो किसानों और सरकार के बीच में मध्यस्थता का काम करे, तो हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और ये हमने कमेटी बनने से पहले लिखित बयान जारी करके कह दिया था, क्योंकि हमारी स्पष्ट मान्यता है कि ये जो विवाद है हमारे और सरकार के बीच में है, जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में, वो जनप्रतिनिधि जो हमारे प्रति जिम्मेवार हैं, जो कल को हमसे वोट मांगने आएंगे, हम उनसे बात करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम केवल एक है, ये बताना कि ये कानून संवैधानिक है या नहीं है। जरूर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे, हम उसका सम्मान करते हैं, हम तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मध्यस्थता तो हमने मांगी नहीं, मध्यस्थता तो तब होती है ना जब आपका मेरा झगड़ा हो, हम दोनों किसी तीसरे के पास जाएं कि भाई आप कर लीजिए, या तीसरा आए और हम कहें हाँ भाई आपके आने से सुलझ जाएगा। हम पहले दिन से कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी पिटीशन हैं, एक भी याचिका कोर्ट में नहीं है जिसमें किसी ने कहा हो कि आप मध्यस्थता कर दीजिए। एक याचिका वो है जो कहती है कि इन किसानों को उखाड़ दिया जाए, उठा दिया जाए, दूसरी याचिका है जो कहती है कि इन कानूनों को खारिज कर दिया जाए। मध्यस्थता तो कोई मांग ही नहीं रहा। तो जो हमने नहीं मांगी, सरकार ने नहीं मांगी, किसी याचिकाकर्ता ने नहीं मांगी, वो काम सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रहा है? और दूसरा, कमेटी उपयोगी तब होती है जबकि सिद्धांत के फैसले लिए जा चुके हों। अगर सरकार मान लीजिए कहती है कि हाँ हम MSP का कानूनी अधिकार देने को तैयार हैं, फिर एक कमेटी बनाई जाए कि वो कानूनी अधिकार कैसे दिया जाए, कानूनी अधिकार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये कमेटी कैसे तय कर सकती है? लेकिन उस कमेटी में जो लोग हैं, खासकर
उनका एक लंबा अनुभव रहा है, जो अशोक गुलाटी कृषि वैज्ञानिक, बी एस मान किसानों के नेता हैं वो, और प्रमोद जोशी, ये तमाम बड़े नाम हैं, तो आप लोगों को इनसे आपत्ति क्या है? पहला तो मैं बता दूं कि हमारी आपत्ति इनके नाम घोषित करने से पहले से थी। हमने आपत्ति इनके नाम आने के बाद नहीं की थी, उससे पहले हमने कह दिया था हम ऐसी किसी कमेटी से कोई लेना देना हमारा नहीं है। जहाँ तक इन चार लोगों की बात है, बड़े जानकार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, और तीनों कानूनों के इनसे अच्छे वकील हो नहीं सकते। इन चारों लोगों ने खुल के पब्लिक में तीनों कानूनों को डिफेंड किया है। इनफैक्ट सरकार को डिफेंड करने वाले मुख्य लोग ही ये चार हैं, इन्होंने डिफेंड किया है। इन्होंने किसान आंदोलन को भटका हुआ, दुराग्रही, और एक ने तो यहाँ तक कि मतलब ये बदमाशी कर रहे हैं, यहाँ तक कहा गया हमारे बारे में। ये लोग बिल्कुल सरकार की टीम में शामिल हो, नेगोशिएशन में हमें क्या एतराज है, सरकार इसको अपने पक्ष में बैठाए। इन तीनों को जज बना के रखा, इन तीनों को रेफरी बना के रखा, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? कल को आप कहें कि विराट कोहली इतने शानदार प्लेयर हैं, इसलिए उनको अंपायर भी बना दिया जाए, ये वो मामला है। अंपायर कैसे हो सकते हैं? जब मैं कहता हूं कि विराट कोहली अंपायर नहीं हो सकता, तो मैं नहीं कह रहा कि विराट कोहली खराब प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, इनको अंपायर कैसे बना सकते हैं? मैं तो हैरान हूं सुप्रीम कोर्ट। और ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के बीच में अपनी छवि को कम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को होल्ड करने की भी बात कही है, और उसके आधार पर कहा गया कि किसान अब अपना आंदोलन वापस लें, अपने घरों की तरफ लौटें, और फिर इस पर चर्चा होगी, विचार होगा कि आगे का क्या रास्ता निकलता है। होल्ड के फैसले से भी आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं कहा है जो आप सोचते हैं कि उसने मतलब कहा। उसके बाद ये बातें कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, उसके बाद लगातार ये बातें। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। स्टे का मतलब क्या होता है? स्टे का मतलब होता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट स्टे को लिफ्ट नहीं करेगा, तब तक के लिए स्टे है। कब लिफ्ट करेगा? अगले सप्ताह कर सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, कलम उठ के चले गए, जब हम घर पहुंचे तो पता लगा स्टे तो उठ गया आराम से। सेंट्रल विस्था प्रोजेक्ट में यही तो हुआ। एक महीना पहले कोर्ट ने स्टे दिया, हमारे कई साथियों में बड़े खुश हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, एक महीने में कोर्ट ने जजमेंट दिया, बिल्कुल ठीक प्रोजेक्ट है, आगे चलाइए इसको जी। तो ऐसी चीज़ के ऊपर उठ के चले जाए, लाखों लोग इस ऐतिहासिक आंदोलन में बोरिया बिस्तर उठा लें क्योंकि स्टे मिल गया, जो कि हो सकता है 5 दिन चले, हो सकता है 5 महीने चले। हम स्टे मांगने नहीं आए हैं, हम इन तीन कानून को रद्द करवाने के लिए आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, शुक्रिया, हमने मांगा नहीं था, आपने दे दिया, कोई बात नहीं, हमें कोई बुरा थोड़ी है, अच्छी बात की आपने। लेकिन इस आधार पे हम उठ के चले जाए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही भी नहीं है, और ये बात बिल्कुल तर्कविहीन है। आगे की आप लोगों की रणनीतियों को लेकर जो बातें सामने आ रही है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। जैसा आपने अपने संडे सत्संग वाले जो कार्यक्रम होता है उसमें इसकी घोषणा भी की थी कि 13 को लोहड़ी मनाएंगे, वो जलाई भी गई प्रतिया, कल सबने देखा। 18 तारीख को लेकर महिला किसान दिवस की बात थी, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि 26 जनवरी के आप लोगों के कार्यक्रम को लेकर, कि 26 जनवरी का कार्यक्रम देश के गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होता है, देश के स्वाभिमान संप्रभुता से जुड़ा है, और ऐसे में आप लोग ट्रैक्टर लेके जब दिल्ली की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ गड़बड़ होंगी। मैं हैरान हूँ कि लोग ऐसा सोचते हैं। 26 जनवरी के दिन तमाम लोग अपने यहाँ पर तिरंगा लगा के जाते हैं, तमाम बच्चे जाते हैं, लोग जाते हैं, और मैं समझता हूँ 26 जनवरी के दिन तिरंगा लेके नागरिक जब निकलते हैं तो गणतंत्र का मान बढ़ता है, घटता नहीं है। हमने 26 जनवरी को जो कहा है वो ये है कि किसान अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। हमने कतई नहीं कहा कि जो रिपब्लिक डे की सरकारी परेड है, आधिकारिक परेड है, हम उसके अंदर कोई दखल देंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट और जिम्मेवारी से आपको बताना चाहता हूँ, आधिकारिक परेड या गणतंत्र दिवस से जुड़े किसी भी आधिकारिक फंक्शन में हम किसी तरह का कोई डिसरप्शन नहीं करेंगे, किसी तरह की कोई धावा, हमला, पार्लियामेंट, लाल किला, ऐसा कुछ नहीं करना हमें। हम एक शांतिपूर्वक तरीके से अपनी परेड निकालेंगे। और आपको बताऊं, जवान जो है ये वर्दी पहने हुए किसान है, वो जवान जब परेड करता है, किसान जाके उस परेड को डिस्टर्ब करेगा? सवाल ही नहीं होता। तिरंगे का मान सम्मान हम 2 इंच बढ़ाएंगे ही, आधा इंच भी कम नहीं करेंगे। आगे के को लेकर जैसे आपने बताया कि 15 तारीख की जो वार्ता है उसमें शामिल होंगे, 26 जनवरी के कार्यक्रम को भी आपने सामने रखा, क्या उम्मीदें हैं और क्या देखते हैं आपकी, कब तक चलेगा? जैसे बीते दिन हमारी किसानों से बात हो रही थी, उनमें से एक किसान ने कहा कि लोहड़ी हमने मना ली, होली भी यही मनाने की तैयारी है, तो
तो क्या उतना लंबा खींचते हुए आप देखते हैं या उम्मीद है कि बीच में कुछ रास्ता निकलेगा? उम्मीद तो करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए, उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री का कलेजा थोड़ा सा तो पिघले इस सच्चाई को देख के, उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब देख लिया होगा कि हकीकत क्या है, तो उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ रास्ता निकलेगा। उम्मीद है तभी तो यहाँ बैठे हैं, उम्मीद है तभी तो वार्ता कर रहे हैं, तो उम्मीद है जितना जल्द हो। मैं तो प्रधानमंत्री की दृष्टि से भी सोचता हूँ, प्रधानमंत्री जितना जल्दी इसको सुलटा लेंगे उतना उनके लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद है। 2 महीना पहले मान जाते तो अपनी बड़ी वाहवाही होते, लोग उनकी जय जयकार करते हुए जाते। प्रधानमंत्री इसको जितना अपने व्यक्तिगत अहम का मामला बना रहे हैं, जितना इसको एकदम पर्सनल प्रेस्टीज और इज्जत का मामला बना रहे हैं, वो खुद उनके लिए अच्छा नहीं है। तो मेरी उम्मीद है प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और बाकी सब लोग, सद्बुद्धि आएगी और जल्द से जल्द समाधान करेंगे। जहाँ तक हमारी बात है, हम इस संकल्प के साथ बैठे हैं कि समाधान करवा कर ही उठेंगे, कानून वापस होंगे तभी हम घर वापस जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे है, सरकार की नीयत पे सवाल है, लेकिन संकल्प दृढ़ है कि जब तक कानून वापस नहीं होते, जब तक मांगे पूरी नहीं होती, तब तक डटे रहेंगे। देखने वाली बात है कि आंदोलन कब तक चलता है, कब तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर होते हैं। निरंजन मिश्रा, ईटीवी भारत, दिल्ली।